करी तो ये स्टोरी किसके बारे में है करी के बारे में है एंड हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये करी कौन है देखिए करी अ फाइव मंथ ओल्ड बेबी एलिफेंट तो हमने ये देखा कि करी जो है वो कौन है एलिफेंट की बेबी है फाइव मंथ की लाइव एंड ग्रो अप विथ हिज नाइन ईयर ओल्ड फ्रेंड एंड कीपर वो किसके साथ रहती है अपने नाइन ईयर नौ साल के दोस्त के साथ रहती है जो कि उसका कीपर है यानी कि उसका ख्याल रखता है करी डजेंट ईट मच करी ज़्यादा नहीं खाती जस्ट अबाउट सिक्सटीन किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विंग्स बस कितना खाती है सिक्सटीन किलोग्राम ट्विंग्स खाती है झाड़ियाँ खाती हैं ठीक है फिर प्लेफुल एंड सेंसिटिव करी सेव अ बॉय फॉर ड्रॉइंग उसने बहुत ही वो क्या करती है खेलती है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है उसने क्या किया एक बच्चे को ड्राॅइंग यानी कि डूबने से बचाया तो ये स्टोरी है हम देखते हैं करी द एलिफेंट वॉज फाइव मंथ्स ओल्ड वैन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर द राइटर नरेट्स स्टोरी एंड ही सैड करी जब मुझे मिली तो वो कितनी महीने की थी पाँच महीने की थी एंड आई वॉज नाइन ईयर्स और मैं नौ साल का था ठीक है आई एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो और मैं अगर अपने अंगूठों को उठाऊँ पैर के तो मैं केवल उसके कहाँ तक पहुँच पाता बैक तक ही पहुंच पाता ठीक है जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं ठीक है राइट ट्राइज टू रीच ऑन द बैक ऑफ करी सो so ये पे खड़े हुए हैं और कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं केवल बैक तक तो ये बात उन्होंने इन लाइन्स में कही है ओके फिर देखिए ही सीम्स टू रिमेन ही सीम्स टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली टू वी ग्रो टूगेदर अब वो कह रहे हैं कि मैंने उसको लगभग लग लग दो साल तक देखा ही वी ग्रू टुगेदर हम दोनों आपस में सात साथ बड़े हुए दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फ्राउंड आउट जस्ट हाउ टेल ही टॉल ही वॉज वो कह रहे हैं कि हम साथ साथ बड़े इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया कि हम दोनों कब कितने बड़े हो गए ही लाइव इन अ पेविलियन अंडर अ दर्श रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम सो दैट इट कु नॉट फॉलो इन वेन करी बंप अगेंस्ट दोल्स एज ही मूवड अबाउट वो कह रहा है कि जो करी है वो एक पेविलियन में रहती थी यानी कि एक टेंथ में रहती थी जो कि किससे बना हुआ था स्टैम्प से एक ट्री के स्टैम्प से बना हुआ था ठीक है देख सकते हैं आप ये इस टाइप का खप्पर छप्पर है उस पर बना हुआ था और ये फोर किस में अटका हुआ था स्टैम्प में और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग था पेविलियन कहते हैं इस चीज को तो तब जब भी जो करी है अब एलिफेंट की बेबी है तो हैवी होगी ना जब भी वो उस पर हिट करती तो ये नहीं टूटता था इट दैट दिस मीनिंग कि वो क्या था बहुत ही स्ट्रांग था जो पेविलियन था ओके देन नेक्स्ट लाइन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग करी डिड डिड वॉस टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय एक चीज जो करी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी थी कि उसने किसकी जान बचाई थी एक लड़के की जान बचाई थी करी डिड नॉट ईच मच बट नीडिड फोर्टी पाउंड्स ऑफ ट्विंग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विथ वो क्या है? कह रहा है कि एक कमेंट कर रहे हैं कि करी ज़्यादा नहीं खाती थी बस वो कितना खाती थी फोर्टी पाउंड्स खाती थी ट्विंग्स मीन होता है झाड़ियाँ ठीक है उसे ये झाड़ियाँ चबाने के लिए और खेलने के लिए चाहिए होती थी एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन अ मॉर्निंग फॉर हिज बेथ बात ठीक है हर दिन मैं उसे कहाँ ले जाता नदी के किनारे ले जाता नहलाने के लिए ही वुड लाई डाउन ऑन अ सैंड बैंक वो कहाँ लेट जाती नदी के किनारे मिट्टी में लेट जाती वाइल्ड आई रब्ड हिम विद अ क्लीन सैंड ऑफ रिवर फॉर एनआर और मैंने मैं उसे क्या करता मिट्टी से ही रगड़ता थोड़ी देर के लिए कुछ घंटों के लिए और हम वहीं पर रहते आफ्टर डैट ही वुड लाइन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम और इसके बाद वो वाटर में चली जाती कुछ देर के लिए ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एल्बोनी एल्बोनी एक ट्री है जो बहुत ही रेन फॉरेस्ट का ट्री है ठीक है ये जब भी बारिश होती है तो काफ़ी चमकने लगता है तो ऐसे ही जैसे ही वो आती पानी से बाहर तो उसकी स्किन है वो भी काफ़ी शाइनिंग होती एंड इट बी एंड इट वुड बी स्क्वर विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक वो कह रहा है कि राइटर कि जब भी मैं उसके बैक में पानी डालता और उसे रगड़ता तो वो इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करती वो उसे अच्छा लगता ये चीज़ देन आई वो टेक हिम बाय एयर मैं उसे कान से उठाता है ना आपको पता है कि एलिफेंट के कान क्या होंगे बहुत बड़े होते हैं ना तो एलिफेंट वो कह रहे हैं राइटर कह रहे हैं कि मैं उसके कान से उसे पकड़ता बिकॉज दैट इज़ द इजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट क्योंकि एलिफेंट के खानों से ही उसको लीड करना आसान होगा एंड लीव हिम ऑन अ एज ऑफ द जंगल और फिर हम कहाँ चले जाते जंगल की ओर चले जाते वाइल वाइल्ड आई वर्न इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लुसीशियस ट्विंग्स फॉर हिज डिनर तो जैसे कि मैं जंगल जाता तो जो लुसीशियस ट्विंग्स है यानी कि इसकी पत्तियाँ हैं लुसीशियस ट्री की मैं उसे उसके लिए लेके आता डिनर के लिए वन हैज़ टू हैव वेरी शार्प हेट इज टू कट डाउन दी स् ट्विंग्स पर एक बात बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत टफ काम होता किसी भी लूशीशियस ट्रील की ट्विंग्स को काटना तो इसके लिए हमारे पास हेडसेट होनी चाहिए यानी कि एक एग्स यानी कि कुल्हाड़ी होनी चाहिए टू कट डाउन दीज ट्विंग्स इट टेक्स हाफ एन आवर्स टू शार्पन पहले आधा घंटा मुझे उस एक्स को क्या करने में शार्प करने में लगता द हेड सेट बिकॉज इट्स अ ट्विंग टू मल मल्टीलेटेड एट एलिफेंट विल नॉट टचड उसने इसलिए क्योंकि अगर हमने गलती से भी गलत तरीके से जो ट्विंग्स है वो काट ली तो एलिफेंट को वो पसंद नहीं आती है ठीक है तो आप इतना पढ़िएगा इस पैराग्राफ को ज़ोर से पढ़िएगा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे इसको आगे पढ़ेंगे